हरियाणा न्यूज के हमारे सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुखिया जिस तरह से अपने उद्बोधन में अपनी भांजियों का जिक्र करते हैं, उससे ऐसा लगता है मानो मामा के लिए उनकी भांजियों से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भांजियों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार कर जाहिर कर दिया कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। मामा ने वादा किया था कि 75% लाने पर हर बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन 80% लाने वाली छात्राओं को इससे वंचित रखा जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। चाचौड़ा की दो भांजियां ऐसी हैं जिनके 80% आने पर भी उन्हें लैपटॉप नहीं दिया गया। जब इस संबंध में चाचौड़ा कन्या विद्यालय के प्रचार से बात की तो प्राचार्य ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी की गलती के कारण इनके खातों में अभी तक पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी सूचना प्राचार्य ने दो बार जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी है और 10 दिन के अंदर इन दोनों बेटियों के खातों में पैसे डल जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। वहीं जब उन दोनों छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो काफी गरीब परिवार से हैं, साथ ही माता पिता ने बहुत मेहनत करके उन दोनों बेटियों को पढ़ाया है। 12वीं कक्षा में 80% हैं, जिसके लिए प्राचार्य ग्वालियर भी लेकर गए, जिससे उनका नाम उन छात्राओं के साथ जुड़ जाए जिनको 25,000 रुपए मिलने थे, लेकिन इसके बाद भी पैसा उनके खाते में नहीं आया, जिसकी शिकायत 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी की गई थी, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे राशि कुछ भी नहीं हुआ, फिर इसके बाद प्रिंसिपल सर से बोला तो प्रिंसिपल सर ने 81 पे कॉल करने की बोला, तो वहाँ पे भी लगभग 1 महीना हो चुका है, वहाँ पे भी कोई शिकायत नहीं हो पाई, अभी कार्रवाई नहीं हो पाई। गवर्नमेंट का साइड। अच्छा, का नाम क्या है? डॉक्टर विनायक चोपड़ा। ये भी हम याद है आपको? हाँ, है ना, माई फ्रेंड्स हैं सलोनी विश्वकर्मा, सलोनी सैनी, कृतिका शाहू और भावना सोनोटिया। कितनी परसेंट है इनकी? इनकी 75 भी है, किसी की 81 भी है, किसी की 76 भी है। मेरा नाम दीक्षा सैनी है, मैंने CM हेल्पलाइन पे की थी शिकायत, उन्होंने बोला 10 दिन वेट कर लो, फिर 10 दिन वेट किया, फिर वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने फिर बोला कि कार्रवाई गुना कर दी गई तुम्हारी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 81। अरे मिलाओ। हाँ मिल गया, मेरी फ्रेंड है भावना और भी सलोनी सुनूंगा। इनकी परसेंटेज कितनी क्या है? 71, 76 है। और तुम्हारी कितनी है? मेरी 81। पापा का नाम? ब्रजमोहन सिंह। और आपके स्कूल का नाम? शासकीय कन्यावाणी विद्यालय। हमारे विद्यालय से 22 छात्राओं को लैपटॉप राशि का वितरण किया जाना था, जिसमें 2 छात्राओं को उनके खाते नंबर में गलती होने के कारण वो राशि वितरण नहीं हो पाई है। हमने उसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी है, 8 दिन के अंदर वे राशि उनके खातों में प्रेषित कर दी जाएगी। सर, जो खाते में त्रुटि पाई गई से अपने द्वारा पाई गई कि वहीं से पाई गई? सर नहीं, ये तो वहीं से है, अपने यहाँ से हमने पूरी छात्रवृत्ति, वो लैपटॉप छात्रवृत्ति का संपूर्ण दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दिया था, वहाँ से गलती हो सकती है, किंतु वहां से गलती जो है उसे सुधार दिया जाएगा, 8 दिन में इन लैपटॉप राशि का वितरण कर दिया जाएगा। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। माह से लापता नाबालिग लड़की को ढूंढने में नाकाम चांचौड़ा बीनागंज की पुलिस। वार्ड क्रमांक 10 बीनागंज की निवासी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसी के मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति बहला फुसलाकर विगत 2 माह पूर्व ले गया, जिसकी FIR पुलिस में दर्ज करा दी गई, मगर लड़की की मां के द्वारा बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगने के बाद उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही लड़की को भगा ले जाने वाले व उसके परिवार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। चांचौड़ा SDOP से जब हमने इस संबंध में जानकारी चाही तो उनका कहना है कि पुलिस लड़की को तलाश करने में प्रयासरत है। गुड्डीबाई ने जिला पुलिस प्रशासन से लड़की को शीघ्र तलाशने की गुहार लगाई है। मेरी बच्ची है 13 साल की, तो अड़ोस पड़ोस में एक लड़का बेला फिसला कर ले गया मेरी लड़की को, और जे पास शक है वो घर पर नहीं है, वो ले गया मेरी लड़की को, 13 साल की है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की?
पुलिस चौकी में भी कही सर, तो इन्ना बोला कि हमारी बहुत फ्री में खूब कोशिश करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। पुलिस वाले क्या कहते हैं जब आप जाते हो? पुलिस वाले ये कहते हैं हम क्या भगवान है का, तो का हम क्या तेरी लड़की को हम बना कर दें का, ये बोला मुझसे। कहाँ पे शिकायत किया? ये चांचौड़ा पे, चांचौड़ा पुलिस चौकी में। तो आपकी लड़की स्कूल भी जाती थी क्या? स्कूल जाती है सर, सातवीं क्लास। तो आप यहाँ क्या किराए से रहते हैं? किराए से रहती है सर, और फिर भी बार बार जाती हूँ, फिर भी यही बोलता है मुझसे कि हम क्या भगवान है, तो तेरी लड़की को हम क्या बना कर दें कर, क्या कहाँ जाए, हमने कोशिश कर ली, हमें कहीं ढूंढने की नहीं मिली हमें। कार्रवाई तो हुई है। दूसरा ये है कि छोटी लड़की को वो लड़का भगा के ले गया है, जो जिसके बारे में संदेह व्यक्त किया है, उसके लिए जो है पुलिस द्वारा 3-4 स्थान पर दबिश दी गई है, लेकिन फिलहाल जो है उस मामले में अभी सफलता नहीं मिल पाई है जी। लेकिन हमें पूर्ण आशा है और जो जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, अति शीघ्र ही जो है हम उसको जो है गिरफ्तार कर लेंगे और उस बच्ची को बरामद कर लेंगे। बच्ची नाबालिग है सर? बच्ची नाबालिग है, और उसके संबंध में जो अभी तक जानकारी मिलकर आई कि वहीं ईंट भट्टे में काम करता था, वो वहीं उसी दौरान उसको लड़की इसके संपर्क में आई और उसको बहरा फुसला कर भगा कर ले गया। लेकिन हमारी ओर से जो है प्रयास निरंतर जारी है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अति शीघ्र ही जो है हमें इसमें उसको सरसर करने में और आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की चल रही धूमधाम से तैयारियां। चांचौड़ा के समस्त मंदिरों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही हैं। इसके साथ ही कुछ मंदिर पर बाहर से आए गायकों के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, तथा शाम के समय सभी मंदिरों के पट खोल दिए जाएंगे, जिससे भक्तजन आकर भगवान के दर्शन कर लाभ कमा सकें। जब हमारे सहयोगी ने बिहारी जी के मंदिर बांके बिहारी मंडल के सदस्यों से बात की, तो उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्षानुसार भी बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने बिहारी जी मित्र मंडली के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम में बाहर से आए हुए गायकों के द्वारा मनमोहक भजनों प्रस्तुतियां दी जाएंगी। हाँ। पार्टी आ रही है, अपने भजन गायक जो आ रहे हैं रमेश मंडी जी आ रहे हैं अपने छबड़ा वाले, और कार्यक्रम लगभग अपना 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। करते हुए सजावट करते करते मतलब तैयारी करते करते मतलब कल का पूरा दिन हो चुका, कल और आज का भी पूरा दिन हो गया। रात में कुछ लाइट वगैरह लगी, इसके बाद में अभी मंदिर में काम लगभग चल ही रहा है, चलते ही रहेगा, 7 बजे तक हो जाएगा फाइनल। जाते हैं मंदिर के पट तो अभी तो बंद है, 7 बजे करीब पट खुल जाएंगे, दर्शनार्थी आना प्रारंभ हो जाएंगे और चलता रहेगा। और ये कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा? कार्यक्रम भी वही 8:30-8 बजे करीब। चांचौड़ा से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं एक और बारिश के चलते लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल है। इसके साथ ही कोरी मोहल्ला में मकान गिर जाने से मकान में रहने वाले लोगों की हालत बेहाल है। कोरी मोहल्ले में अभी तक तकरीबन 5 मकान गिर चुके हैं, जिनमें से एक मकान तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते मकानों की नींव कमजोर हो गई थी, जिसके चलते ये मकान गिर गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान वालों को आर्थिक हानि जरूर पहुंची है। बारिश में ये लोग कहां रहेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। छोटा सा चोर निकलने वाले को दिक्कत आ जाए, अगर किसी आती
आप थोड़ा और आगे चले जाओ वहां पे गेट के लिए। हां बेटा जी गेट पकड़ ले इसको पकड़। जैसे आराम हो सुनाओ हां। अरे आपको ही हो गया कहाँ है? नहीं निकाले है ना हमको। कल घर का मकान और एक साल हुआ है कुछ एक फार्म भर रहा है, नाम अभी तक नहीं आया और नुकसान अगल हुआ, पलंग टूट रहा है, मेरे सामान टूट गए और ऐसे में रह रहा है, जगह कहीं भी नहीं गई। कौन सा मोहल्ला है? कोई मोहल्ला नहीं सर। राम भरू को क्या हुआ है? ये मकान वगैरह बैठ गया। इसका आपने आवेदन दिया था पहले कुटी के लिए? तो फिर क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो आपका जो मकान गिरने वाला है सर, आप क्या करोगे उसके बाद? आया कहाँ पे? कहाँ पे दिया था आवेदन? नगर पालिका। कब दिया था? ऑनलाइन से भरा हुआ। तो आपका नाम आ गया? आगा तो कुछ नहीं आ। तो आपको इसने शिकायत की, उन्होंने क्या बोला? देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, वहीं इसी के चलते गुना में भी निकाला गया जन्माष्टमी महोत्सव के चलते विशाल चल समारोह। यादव समाज द्वारा निकाला गया यह चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ लक्ष्मीगंज पहुंचा, जहां इस चल समारोह का समापन हुआ। समापन के मौके पर समस्त धर्म प्रेमी बंधु एवं समाजजनों मौजूद रहे। इस मौके पर राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। समापन के अवसर पर लक्ष्मीगंज में आयोजित किए गए कार्यक्रम में यादव समाज के वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया। Baba, 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 baba.
भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के त्योहार के चलते नयापुरा स्थित गोपाल मंदिर में विशेष पूजन किए गया। महाराष्ट्रीय समाज द्वारा गोपाल मंदिर में विशेष सजावट की गई है, साथ ही कृष्ण और राधा स्वरूप की पूजन भी किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। आज श्री गोपाल कृष्ण मंदिर भारत समाज द्वारा गुजरात के सभी धर्मप्रिय बंधुओं को हार्दिक बधाइयां देता हूं। इस वर्ष भी हमारे समाज ने, हमारे समाज के सभी युवा वर्ग ने, कार्यकर्ताओं लोगों ने काफी मेहनत की है और आप जताई देगा हमारा सारे मंदिर को फूलों से और गुब्बारों से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्षानुसार मंदिर में हम मना रहे हैं। शाम को 6 बजे से यहाँ पे भक्तों का तांता लग जाएगा, फरारी प्रसाद वितरण प्रतिवर्षानुसार इस पर हम करने जा रहे हैं। निकली प्रसाद का वितरण हुआ, शाम को 12 बजे माँ आरती होगी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रोच्चार के द्वारा सुबह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी किया गया। ग्वालियर के परम विद्वान पंडित जी एम इंजनी आज यहाँ पधारे थे, उन्होंने अभिषेक भी किया है और हम सभी गुना की जनता से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी लोग समस्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकतर अधिक संख्या में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय जय श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोरक्षा कमांडो फोर्स ने चल समारोह का स्वागत लक्ष्मीगंज में किया। इस अवसर पर लखन रजक, अर्जुन गिल, शिवा सोनी, अमन नामदेव, रवि पथौली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरक्षा कमांडो फोर्स की ओर से सभी नगरवासियों को श्री कृष्ण उत्सव की शुभकामनाएं भी दी गई। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।